गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। फोटोशॉप के इस अध्याय में हम सीखेंगे फोटोशॉप का परिचय, फोटोशॉप को स्टार्ट करना, इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक इंटरफेस को सीखेंगे। एक ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए दो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो फोटोशॉप, एक तो कोरल ड्रॉ। चलिए आज हम इसी सीरीज में फोटोशॉप के ट्यूटोरियल आपके लेकर आए हैं। हम बेसिक्स से लेकर के सभी टूल्स, सभी मेनू को स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे और एक सरल ढंग से आपको फोटोशॉप को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फोटोशॉप को कैसे आपको ओपन करना है, तो उसके लिए जो सबसे ईजी तरीका होता है वो होता है आपका सर्च। सर्च में आप टाइप करिएगा PHO फोटोशॉप। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसका पुराना वर्जन है और ये इसका जो नया है आज फोटोशॉप CC 2019 सबसे लेटेस्ट वर्जन इसका आ चुका है। तो सारे वर्जन में जो भी अपडेट आते हैं पुराने है, थोड़ा अपडेट आता है, यानी कि नए वर्जन हमेशा पुराने वर्जन से बेहतर होता है। तो लेकिन सारे वर्जन में काम करने के तरीके एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं फोटोशॉप CS5। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फोटोशॉप का इंटरफेस आ जाएगा। इसे जो खोलने का जो दूसरा तरीका होगा, हम विंडो आर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम फोटोशॉप, और फोटोशॉप टाइप करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह हमारा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। इसे जो खोलने का और भी तरीके हैं, जैसे हम यहाँ पे सर्च पे आएंगे और कीवर्ड टाइप करेंगे फोटोशॉप, इस पे राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट। अगर आप पिन टू स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट मेनू के साथ पिन हो जाएगा। अगर पिन टू टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर, चाहे फोटोशॉप हो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो टास्क बार के साथ पिन हो जाएगा। या इसका जो एक और तरीका है, यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करिएगा, इसके बाद इसे आप राइट क्लिक करिएगा और शो मोर ऑप्शन पे जाइएगा। लेकिन विंडोज़ के पुराने वर्जन यानी विंडो 10 या विंडो 7 में आपको ये बार ही दिख जाएगा। विंडो 11 में आपको शो मोर ऑप्शन पे जाना होगा और इसके बाद आपको सेंड टू डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा, सेंड टू डेस्कटॉप। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से भी हम प्रोग्राम को खोल सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे शॉर्टकट की आप कंट्रोल अल्ट पी, आप कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं। याद करने के लिए आप कंट्रोल अल्ट पी दीजिएगा या कोई अन्य कीवर्ड दीजिएगा, अप्लाई करिएगा, ओके करिएगा। अब कीबोर्ड से आप अल्ट कंट्रोल पी दबाने पर भी आपका फोटोशॉप खुल जाएगा। इसके बाद चलिए तो अब हम फोटोशॉप खोल लेते हैं। तो इन किसी भी तरीके से आप अपना फोटोशॉप खोल लीजिएगा। उसके बाद ये जो इसका बेसिक इंटरफेस है, तो फोटोशॉप जो है एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे इसके देखिएगा,
यहाँ पे है फाइल मेनू, यानी कि इसे फाइल मेनू कहेंगे। और यहाँ पे इसका टूल्स दिया हुआ है, और फोटोशॉप में टूल्स और मेनू दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बेसिक इंटरफेस और टूल्स देखते हुए हम फोटोशॉप में कैसे वर्क करना है ये शुरू करते हैं। तो ये जो वर्क एरिया है फोटोशॉप में, इसे वर्क एरिया कहते हैं, या आपको ये ग्रे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें कोई फ़ोटो ओपन नहीं किया हुआ है। तो फोटो को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा या फाइल मेनू में ओपन पे क्लिक करिएगा और एक फोटो को चुन लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा एक फोटो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद अगर आप फोटो चाहे तो ब्राउज इन ब्रिज से भी आप ओपन कर सकते हैं। ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ की दबाकर भी आप फोटोशॉप में अपनी फोटो को ओपन कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करके आप कोई भी इमेज यहाँ पर, और एक चीज़ और ध्यान दें कि जैसे ही हमारा ओपन का विंडो आता है तो कुछ इंटरफेस यहाँ भी दिखाई देते हैं। जैसे हमारे इमेजेज अगर इस तरह के शो कर, लिस्ट में शो कर रहे हैं, तो हमें उसे फुल स्क्रीन पे कैसे देखना है, तो यहाँ पर हम लार्ज आइकन, यहाँ से हम मीडियम आइकन, यहाँ से हम लिस्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम लार्ज आइकन कर लेते हैं और इसमें से कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो इमेज ओपन कर लिया है। अब हम इन दोनों इमेज पर बारी बारी से इन टूल की सहायता से वर्क करेंगे। और फोटोशॉप में सबसे इम्पोर्टेंट है एक टूल बार का नॉलेज होना और एक लेयर का नॉलेज होना। इस साइड में जो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं वो अगर आपको न दिखे या टूल्स आपको न दिखे तो उसे आप विंडो मेनू में, आप यहाँ पर देखेंगे लेयर, यानी कि अगर आप लेयर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से लेयर हाइड हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लेयर ओपन हो जाएगा। लेयर को शो और हाइड करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F7। अगर टूल बार्स अगर स्क्रीन से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो पे जाइएगा और यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है। टूल्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टूल्स बार स्क्रीन से हट जाएगा। फिर जैसे ही आप यहाँ पर टूल्स पे, विंडो मेनू में टूल्स पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फोटोशॉप में ढेर सारे टूल दिए हुए हैं, रेक्टेंगल, लासो, क्रॉप। तो हर टूल का अपनी प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी बार स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो में जाएं और यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन जो प्रॉपर्टी है फोटोशॉप में इसको ऑप्शन का नाम दिया गया है। और जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बार आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही कोई टूल लेंगे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं तो रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टी खुल के आएगी। तो वन बाय वन हम इन टूल को जानेंगे और फोटोशॉप में कार्य करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। तो अगर आप इस टूल को लेते हैं तो ये टूल एक आयताकार सिलेक्शन क्रिएट करेगा, और जैसे ही कोई टूल आप लेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे यहाँ पर सिलेक्शन में आपको न्यू, ऐड, सब्ट्रैक,
न्यू, ऐड, सब्ट्रैक और इंटरसेक्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे आप इन टूलों पे वर्क करेंगे, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट, तो चलिए वन बाई वन इनको समझते हैं। तो अगर आप न्यू यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेते हैं, इसका शॉर्टकट है यम, आप यम की दबाकर भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेने पर आप स्क्रीन के किसी भी एरिया पे आप सिलेक्शन, एक रेक्टेंगल सिलेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहीं पे दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाता है। आप चाहते हैं दोनों सिलेक्शन बने तो उसके लिए यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करिएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों सिलेक्शन एक साथ दिखाई दे रहा है। सिलेक्शन को हटाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी या सेलेक्ट मेनू से डी सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेलेक्ट मेनू से डी सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका सिलेक्शन हट जाएगा। चलिए इसके बाद अगर आप रेक्टेंगल मार्कर टूल लेते हैं और ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप एक से अधिक सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सब्ट्रैक फ्रॉम सिलेक्शन, इसका यूज हम सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए यानी कि सिलेक्शन को हटाने के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। तो ये है सब्ट्रैक्शन। इसके बाद इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का काम होता है सिलेक्शन को जो पहले सिलेक्शन रहेगा और जो बाद वाला सिलेक्शन रहेगा तो बाद वाला सिलेक्शन ही प्रभावी रहेगा और पहले वाला सिलेक्शन आपका रिमूव हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, हमने यहाँ पे आया और यहाँ से डी सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूज करते हैं और यहाँ पर हम इस सिलेक्शन पे ड्रैग करते हैं तो देख रहे हैं जो बाद वाला सिलेक्शन है वो प्रभावी हुआ और पहले वाला सिलेक्शन आपका रिमूव हुआ। तो ये था रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ये सारी फीचर। तो सिलेक्शन हटाने के लिए आप कंट्रोल डी या सेलेक्ट मेनू में डी सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करिएगा, कंट्रोल डी या डी सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करिएगा। इसके बाद इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, अब रेक्टेंगल चाहे इलिप्टिकल चाहे आगे लेसो टूल भी है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी होगी ये एक ही जैसी होगी। और इसके बाद हम आपको बताते हैं फीडर। तो फीडर का जो यूज होता है फोटोशॉप में, बस ये समझिएगा कि कोई भी पन्ना आप कैची से काटिए या कोई पन्ना आप हाथ से फाड़िए। चलिए इसकी प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाते हैं कि फीडर टूल करता क्या है। तो उसके लिए हम एक बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं। तो इमेज को ओपन करने के लिए हम फाइल मेनू में ओपन का यूज करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं। तो एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। चलिए ये वाला बैकग्राउंड हमने ओपन कर लिया। तो ये बैकग्राउंड हमारा ओपन हो चुका है। अब देखिएगा हम फीडर का यूज करना आपको बताएंगे। तो हमने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल लिया, इसका काम होता है, इलेक्ट्रिकल मार्क्यू टूल का काम होता है एक गोलाकार सिलेक्शन बनाना। तो इस टूल को मैंने लिया और यहाँ पर हमने सिलेक्शन कर लिया। अब आप देखेंगे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ये नोड बन चुका है और हम यहाँ पे मूव टूल का प्रयोग करके, अगर आपका यहाँ पर नोड नहीं बन रहा है
तो आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक कर दीजिएगा या एडिट मेनू में फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कंट्रोल टी दबा करके आप नोड का सिलेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे पेज पर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको पेज पर लाएंगे तो आप देखेंगे कुछ सिलेक्शन इस तरह आया है। ये सिलेक्शन बिना फीडर के है तो इसे हम ऐसे ही रहते देते हैं और हम फिर से चलते हैं और फीडर को डिफाइन करते हैं। तो हम सिलेक्शन को यहाँ पे फीडर लगभग 10 के करीब या ज़्यादा रखते हैं या 10 के करीब रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कुछ नोड जो इसका है एज है थोड़ा सा धुंधला की तरह हुआ होगा, और जैसे इसको आप पेज पर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसे हम फिर से करते हैं। तो एक बार हम इसे कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे आते हैं और फीडर को एक बार 40 के करीब रखते हैं और यहाँ पे आते हैं और इलेक्ट्रिकल टूल की लेते हैं। इसके बाद हम इसके आर्क का सिलेक्शन बनाते हैं। इसके बाद हम मूव टूल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, और जैसे ही हम यहाँ पर इसको पेज पर लाते हैं तो ये देखिएगा कि ये जो सिलेक्शन है इसका जो एज वाला एरिया है वो बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच कर देता है। इसका मतलब हम फीडर जितना देंगे उतने एज को हम ब्लर या मैचिंग दूसरे इमेज के साथ कर पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा हम छोटा और बड़ा, ध्यान दीजिएगा जब भी आप इमेज को छोटा या बड़ा करिएगा तो आप अल्टर और शिफ्ट बटन को आप एक साथ दबाइएगा और इंटर को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये इस तरह का आपका लुक आया। यानी कि हम अगर फीडर पॉइंट डिफाइन करते हैं, अगर हम फीडर पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो हमारा इमेज का जो एज वाला एरिया है वो बिल्कुल बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएगा। फीडर हम सेलेक्ट मेनू से और इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आगे सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल के बारे में। तो सिंगल रो मार्की टूल आपका किसी इमेज पर एक लाइन, फोटोशॉप में उसे तो इन सिंगल रो मार्की टूल का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई लाइन खींचा और डेल की दबा दिया और ओके कर दिया तो आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिएगा कुछ इस तरह, कंट्रोल जेड करिएगा। फोटोशॉप में कार्य को पीछे करने के लिए आप अंडू, रीडू या स्टे बैकवर्ड या स्टे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, यानी अल्ट कंट्रोल टेल का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सिंगल मार्की टूल लेते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर टेल की दबाते हैं तो यहाँ पर और इसको देखिएगा, आप यहाँ पे मार्की टूल लीजिएगा तो कुछ इस तरह की ये बैकग्राउंड ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हम अल्ट कंट्रोल डेल करके इमेज को पहले जैसे कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टूल के बारे में और भी चीज़ें करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टूल लिया और यहाँ पे देखिएगा लेयर, आप लेयर पे आइएगा और यहाँ नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे है आपका क्रिएट न्यू लेयर। देखिएगा क्रिएट न्यू लेयर है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया लेयर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके फोटोशॉप में लेयर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप विंडो में जाइएगा और यहाँ पर लेयर या F7 दबा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका लेयर ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम आपको इलेक्ट्रिकल टूल का थोड़ा सा और भी यूज करके दिखाते हैं।
तो इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल आप लीजिएगा और फीडर को आप 2 या 3 के करीब रखिएगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ करिएगा। सिलेक्शन को आप फिर से ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे हाँ और नए, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलेक्शन बना लिया है। अब फीडर भी 3 है। अब हम यहाँ पर देखिएगा बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ डेल करते हैं। तो कंट्रोल के साथ डेल करने पे हमारा बैकग्राउंड का कलर फिल होता है और अल्ट के साथ डेल करने पे हमारा फोरग्राउंड का कलर फिल होता है। तो फिलहाल हमें ब्लू कलर चाहिए तो हमने कंट्रोल के साथ डेल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो कलर है वो बिल्कुल फिल हो चुका है और ये कलर हमारा इस लेयर के ऊपर है न कि बैकग्राउंड लेयर पे। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको फोटोशॉप को अच्छे से समझना है तो आपको लेयर और टूल्स को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि लेयर और टूल इन दोनों से सीखने पे कम से कम 50% हमारा स्टडी फोटोशॉप से रिलेटेड हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे एक होगा ओपासिटी। यहाँ पे हम ओपासिटी को धीरे धीरे कम करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसकी जो आइज है वो आपको ब्लू नज़र आ रही होगी, ये देखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये अब देखिएगा ये। तो इस तरह हम ओपासिटी को कम करके ज़्यादा करके इस चीज़ को हम इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लगा ना कुछ खास? तो इस तरह आप एडिटिकल टूल का यूज करके और लेयर का यूज करके आप आईज पे इफेक्ट दे सकते हैं। सिलेक्शन को हम हटा देते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे और डी सेलेक्ट या कंट्रोल डी का यूज करेंगे। हाँ, इसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके पहले और अब क्या वर्क था, तो फोटोशॉप में हम और सॉफ्टवेयर की तरह कंट्रोल जेड नहीं, हिस्ट्री का प्रयोग करते हैं। तो आप विंडो में यहाँ पे हिस्ट्री ला दीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। आप विंडो मेनू में जाइएगा और आपको लाना है हिस्ट्री टूल। तो हिस्ट्री टूल लाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिएगा और इसके बाद जैसे जैसे आपने वर्क किया था, देखिए यहाँ पे 1x1 ये आपको सारा वर्क यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से मैंने पहला इफेक्ट किया था और यहाँ पे देखिएगा ये, यानी कि ये है आपका फिल, ये है आपका पहले जैसा कलर और ये है मेरा फाइनल रिजल्ट्स। तो इस तरह हम फोटोशॉप में आज हमने आपको रेक्टेंगल मार्किंग टूल और इलेप्टिकल टूल का यूज करना बताया और इसके बाद ऐड सबट्रैक, सबट्रैक फॉर्म सिलेक्शन इंटरसेक्शन और इसके बेसिक इंटरफेस को हमने आज इस वीडियो में आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को दबा दें जैसे आने वाला हमारा सारा वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।